अंदर मान सम्मान किया जा रहा है मोनू खेड़ी मान सिंह का, काजल गरुंडा और प्रियांशु गरुंडा के द्वारा वॉशिंग मशीन के साथ मान सम्मान मोनू खेड़ी मान सिंह का किया जा रहा है भाई। खानपुर करनाल में जो टूर्नामेंट चल हुआ था, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं भाई और बेहतरीन प्रदर्शन करते रहते हैं टूर्नामेंटों में। सभी टूर्नामेंट में भी बहुत बढ़िया खेल लिया है खेड़ी मान सिंह की टीम, पूरी ही बढ़िया टीम खेल ली है, मोनू भी बढ़िया खेला है और काजल मेरा भाई एक्स खेल रहा था खेड़ी मान सिंह की टीम में, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है भाई। जो इज्जत और प्यार मान सम्मान दे रहे हैं भाई काजल गरुंडा और प्रियांशु गरुंडा। एक प्रियांशु का मेरे भाई का फेसबुक पे पेज भी है भाई, हरियाणा NCR शूटिंग वाली वाले के नाम से, वो भी सभी भाई फॉलो कर लें भाई। और भाई जो अच्छे प्लेयर हैं टूर्नामेंटों में हमेशा सम्मान करना चाहिए अच्छे प्लेयरों का, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी पहल है भाई विकास की, भाई का सम्मान कर रहे हैं वॉशिंग मशीन से, बहुत ही अच्छी बात है भाई, अच्छे प्लेयरों का सम्मान होना चाहिए। तो हरियाणा UP शूटिंग वॉलीबॉल की तरफ से बहुत बहुत बधाई मोनू खेड़ी मान सिंह को भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद मोनू की तरफ से काजल गरुंडा और प्रियांशु गरुंडा का मान सम्मान करने के लिए वॉशिंग मशीन के साथ मोनू खेड़ी मान सिंह का। साथ में बहुत बहुत धन्यवाद है भाई अमित शोरैन खानपुर वाले, जिन्होंने बहुत बढ़िया टूर्नामेंट पहली बार कराया और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट, बहुत अच्छे थे भाई, खाने वाने का बढ़िया बेहतरीन। बड़ी बात होती है खाने की भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इनाम सब देखते हैं, मैं सब करवाते हैं, लेकिन खाना सबसे ऊपर होता है और बहुत बढ़िया खाने की व्यवस्था थी, पूरे अरेंजमेंट सिस्टम फिट था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। खानपुर टूर्नामेंट में फर्स्ट टीम रही सहारनपुर, छोटू माजरा, दीपक राणा, सचिन राणा, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया भाइयों ने, तगड़ा मैच दिखाया भाई, फर्स्ट पोजीशन रही, टोटल 72 टीमों ने हिस्सा लिया टूर्नामेंट में, बहुत ही बेहतरीन खेली भाई, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, 51,000 रुपये विद ट्रॉफी। तो भाई खानपुर करनाल में जो टूर्नामेंट चला हुआ था उसमें जो विजेता टीम रही है वो सचिन राणा सहारनपुर की टीम रही है भाई, जिसमें छोटू माजरा खेल रहा था। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट करवाया भाई उन्हें और बहुत बहुत बधाई बस सहारनपुर की टीम को, बहुत बहुत बधाई है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों को कहा टीमों में से एक टीम जीती है भाई, ये बहुत बढ़िया बढ़िया सेट आए थे और बहुत बहुत बधाई है भाई पूरी सहारनपुर की टीम को, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अच्छा प्रदर्शन किया भाई सभी ने, बढ़िया खेले भाई, फर्स्ट पोजीशन रही सहारनपुर। कह रहे मंदीप भाई, मंदीप जी कह रहे दो हजार के लेने के भाई, दो हजार के अच्छा ठीक है, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट करवाया भाई मनदीप और अमित और पूरे कानपुर वालों ने, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट करवाया, बहुत बहुत बधाई है भाई, होगी फोटो भाई आप लोगों को भाई तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी टूर्नामेंट थी, बहुत अच्छे मैच थे, बढ़िया मैच, सारी जो अपना सहायक मेंबर थे सबका तहे दिल से धन्यवाद। टिंगरी वालों भाई हाँ पकड़ लिया सेकंड पोजीशन भाई, ट्रॉफी बधर लो भाई अंकित बीच में उठा के, आज सर रात को गायब रहे, दिन बता दिल को लो, चलो आज आप लोग आ आज। दूसरे नंबर पे जो टीम रही है वो रही है भाई दानवीर इंद्री की टीम, जिसमें खेल रहा था अंकित, खेल रहा था पतरेड़ी वाला भाई, 71 टीमों में दूसरी टीम है जो फाइनल में पहुंची है भाई, बहुत बढ़िया खेल लिया है हरियाणा यूपी शूटिंग वॉलीबॉल की तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं अंकित भाई को, प्रेम भाई को और पूरी टीम को भाई, बहुत बढ़िया खेल लिया भाई। गुड इवनिंग गाइज, सो गाइज खानपुर टूर्नामेंट संपन्न हुआ और खानपुर टूर्नामेंट में 72 टीमों ने भाग लिया,
तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी टीमों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया टूर्नामेंट में, टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। और टूर्नामेंट के सभी कमेटी मेंबर को YouTube चैनल की तरफ से, हमारी इंडरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट कराया, अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया थे, एक नंबर के अरेंजमेंट थे। चार ग्राउंड थे, चारों पे कंटिन्यू मैच चले, बाकी खाने का प्रबंध, बैठने का प्रबंध और भी बहुत सारी अरेंजमेंट थे, बहुत सारी सुविधाएँ थी जो कि टूर्नामेंट में उपलब्ध थी। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था, पहली बार भाइयों ने टूर्नामेंट कराया और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा भाइयों, सभी सुविधाएं थी खिलाड़ी से संबंधित। और सुबह 9 बजे सुबह फाइनल मैच हुआ, थोड़ा टीम ज़्यादा होने के कारण थोड़ा लेट हो गया फाइनल मैच, बाकी सब कुछ ठीक था। और जो टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट जो टीमें रही वो थी अपनी इंडरी की टीम और दूसरी सहारनपुर छोटू माजरा। तो दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच हुआ और फर्स्ट पोजीशन रही सहारनपुर टीम की, सेकंड पोजीशन इंडरी टीम की और थर्ड और फोर्थ पोजीशन कंबाइंड खेड़ी मानसिंह राजेश टीम रही और एक जेनिस नोएडा भूंडू सांपला जिसमें खेल रहे थे। तो सभी विनर टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद जीत की, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया आप सभी टीमों ने और बढ़िया मैच लगे टूर्नामेंट में। सेमीफाइनल दोनों और फाइनल मैच मैंने रिकॉर्ड किए हैं HD क्वालिटी में, वो आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएंगे ऑल इंडिया अंडर हैंड वॉलीबॉल पे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मैच देखें, इंजॉय करें, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। बाकी हम दोपहर को 3 बजे पहुंच गए थे घर पे, बाकी उसके बाद थकान हो गई थी तो टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। सो गाइस बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा, बहुत सारा प्यार मिल रहा आप सभी का। आई होप आप सभी को खानपुर टूर्नामेंट के ब्लॉग पसंद आए होंगे, पसंद आए तो चैनल से जुड़ें और इसी तरह जब भी टूर्नामेंट होते हैं तो ब्लॉग आते हैं और डेली ब्लॉग डालने की कोशिश रहती है, शाम को 8 बजे डाले जाते हैं व्लॉग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। राम राम सभी भाइयों को।